मेरा नाम राजीव है और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेब डेवलपमेंट क्या होता है और कैसे आप एक वेब डेवलपर की जॉब पा सकते हो, वो भी सिर्फ 3 महीने पढ़ाई करके। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग बेसिकली 3 चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला कि हमारा वेब डेवलपमेंट होता क्या है, वेब डेवलपमेंट और वेब डेवलपर किसे बोलते हैं, ठीक है। दूसरा, हाउ टू लर्न वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट हम सीखे कैसे। एंड थर्ड क्वेश्चन, हाउ टू गेट जॉब, जॉब कैसे पाए वेब डेवलपर की, वो भी 3 महीने में, सिर्फ 3 महीने पढ़ाई करके। ओके, अब एक चीज़ इसमें आप याद रखना कि वेब डेवलपर जॉब पाने के लिए आपको किसी भी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने बीटेक किया हो या बीसीए किया हो या फिर एमसीए किया हो, आपको किसी भी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आप 12th पास हो तब भी आप जॉब पा सकते हो। वीडियो एंड तक देखना, मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरीके से आप जॉब पा सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है। सो सबसे पहले आप वेब वर्ड का मतलब समझो। वेब क्या होता है? बेसिकली वेब का मतलब होता है, एक तरीके से आप हिंदी में बोल सकते हैं, जिसको हम जाला, जो मकड़े का जाल होता है, ठीक है। और वेब डेवलपमेंट फिर क्या हुआ? अब मकड़ी जो जाल बनाती है, एक तरीके से वेब डेवलपमेंट का तो यही मीनिंग निकल रहा है, वेब बनाना। तो वेब डेवलपमेंट एक्चुअली में कंप्यूटर साइंस में क्या होता है? सो आप बहुत सारे वेबसाइट यूज़ करते होगे ना, जैसे आप कंप्यूटर में फेसबुक यूज़ करते हो, facebook.com। जब कंप्यूटर में आप वेबसाइट ओपन करते होगे, लिख के आता होगा www.facebook.com। तो ये फेसबुक क्या है? एक वेबसाइट है। हालांकि फेसबुक का एप्लीकेशन भी है जो मोबाइल में चलता है। उसी तरीके से आप www.amazon.com, अमेजॉन की भी अपनी वेबसाइट है। आप अगर मार्केट में जाओगे तो देखोगे जो आपके मार्केट में जो मॉल्स होंगे उनकी भी अपनी वेबसाइट होगी, जो अच्छे रेस्टोरेंट होंगे उनकी भी अपनी वेबसाइट होगी, आपने जिस स्कूल से पढ़ा है उसका भी अपना शायद वेबसाइट होगा, मे बी कुछ स्कूल का ना भी हो। जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं उनके भी वेबसाइट होते हैं, जैसे मेरा ये पेज है मेरा एक कंपनी है मिनी सिमेक्स नाम से, तो इसकी भी वेबसाइट है, ठीक है। सो ये जो जितनी वेबसाइट्स हैं इनको हम बोलते हैं वेब ऐप और वेबसाइट। वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट ओपन कहाँ पे होती है? वेब ब्राउजर में। कहाँ ओपन होती है? वेब ब्राउजर। अब कुछ वेब ब्राउजर का मैं नाम लूँ तो जैसे क्रोम, गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है, जैसे मोजिला एक वेब ब्राउजर है। तो कोई भी चीज़ जो क्रोम या मोजिला में आप ओपन करते हो, समझ लो वेबसाइट है, ठीक है, और उसको वेब ऐप भी बोल सकते हो, फाइन। सो ये जो वेबसाइट्स हैं, जो लोग इन वेबसाइट्स को बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं वेब डेवलपर, वही कहलाते हैं वेब डेवलपर। सो आई होप आपको क्लियर हो गया वेब डेवलपमेंट क्या होता है। वेब डेवलपमेंट मतलब वेबसाइट डेवलपमेंट, वेबसाइट बनाना, और जो बनाता है वेबसाइट उसको क्या बोलते हैं? वेब डेवलपर। अब जैसे फेसबुक एक वेबसाइट है, www.facebook.com ओपन करोगे तो ओपन हो जाएगा। तो इस फेसबुक को जिन्होंने बनाया होगा, जिन लोगों ने, उनको हम क्या बोलेंगे? वेब डेवलपर्स बोलेंगे, ठीक। अब वेबसाइट में भी अलग अलग पार्ट होते हैं, एक वेबसाइट के बहुत सारे हिस्से होते हैं। सबसे पहला, कंप्यूटर में जब आप किसी भी ब्राउजर में कोई वेबसाइट ओपन करोगे, सपोज आपने गूगल में फेसबुक ओपन किया, तो जो कंप्यूटर में आपको सामने दिख रहा है वेबसाइट, जो सामने वेबसाइट दिख रही है उसको बोलते हैं हम फ्रंट एंड, वेबसाइट का फ्रंट एंड। अब ये जो वेबसाइट है इसमें, इसके बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो आपको दिख नहीं रही हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, अगर तो सपोज आपको फेसबुक पे अकाउंट बनाना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप यहाँ पे एक फेसबुक का फॉर्म फिल करोगे जिसमें नाम एंटर करोगे, अपना मोबाइल नंबर एंटर करोगे। ये सारा डिटेल एंटर करने के बाद एक सबमिट बटन होगा, SUBMIT, जब उस पर क्लिक करोगे तो ये जो पूरा आपका डेटा है ये जाके कहीं सेव हो जाएगा। तो ये डेटा जाके सेव कहाँ होगा? ये डेटा जाके सेव होता है डेटाबेस में। डेटाबेस क्या होता है? एक ऐसा जगह जहाँ पे आप डेटा रख सकते हो। आप जैसे आपके घर का स्टोर रूम है, घर की जितनी चीज़ें हैं जो यूज़ नहीं हो रही हैं आप स्टोर रूम में रखते हो, जब यूज़ होता है तो स्टोर रूम से निकाल लेते हो। उसी तरीके से जो डेटाबेस होता है इसमें हम डेटा रखते हैं,
आप जब कोई भी फॉर्म फिल करते हो किसी वेबसाइट पे, जैसे एग्जाम का या फिर फेसबुक पे अकाउंट बनाने के लिए, तो जो आपने अपना नाम डाला, मोबाइल नंबर डाला, ये जो पूरा का पूरा डेटा है ये जाता है, और जाके कहाँ सेव हो जाता है, डेटाबेस में हो जाता है। इसीलिए जब अगली बार आप लॉगिन करते हो और अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालते हो, तो कंप्यूटर डेटाबेस में सर्च करता है कि इस यूजर आईडी और पासवर्ड का डेटा कौन सा है, और जो डेटा रहता है उसको लाके आपको शो कर देता है। ओके, तो वेबसाइट का पहला पार्ट फ्रंट एंड, जो आपको सामने दिखता है, दूसरा पार्ट डेटाबेस, और एक थर्ड पार्ट होता है। अब मैं थोड़ा इसको क्लीन कर लेता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ यहाँ पे, फाइन, हालांकि पूरा क्लीन नहीं हुआ बट चलेगा। तो आपने यहाँ पे जो डेटा एंटर किया, जैसे नेम एंटर किया, मोबाइल नंबर एंटर किया, तो ये जो डेटा है ये डेटा डायरेक्ट जाके हमारे डेटाबेस में स्टोर नहीं होता, बीच में एक प्रोग्राम होता है, बीच में एक प्रोग्राम होता है जो डेटा को मैनेज करता है। ये डेटा पहले इस प्रोग्राम के पास जाएगा, ठीक है, और फिर ये जो प्रोग्राम है इस डेटा को हमारे डेटाबेस में, जिसको हम डेटाबेस, ये जो प्रोग्राम है, ये जैसे नेम और मोबाइल नंबर आपने स्टोर किया, तो ये नेम और मोबाइल नंबर कहाँ जाएगा, पहले यहाँ पे आएगा इस प्रोग्राम के पास, और फिर ये जो प्रोग्राम है ये क्या करेगा, नेम और आपका जो जो भी और डिटेल है उसको डेटाबेस में स्टोर कर देगा इस डेटाबेस में, ठीक है। और ये जो बीच में प्रोग्राम है जो फ्रंट एंड और डेटाबेस के बीच का कम्युनिकेशन हैंडल कर रहा है, इस प्रोग्राम को हम बोलते हैं सर्वर, इस प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं, सर्वर। ओके, और सर्वर, ये जो सर्वर है और जो डेटाबेस है, इस पूरे को एक साथ बोलते हैं हम बैक एंड। तो अगर आप वेब डेवलपर बनोगे तो आप दो तरीके के वेब डेवलपर बन सकते हो, एक जो सामने कंप्यूटर पे दिख रहा है, ठीक है, अगर उसको आप डिजाइन करोगे तो आप कहलाओगे फ्रंट एंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर। और अगर आप ये बैक वाला पोर्शन बना रहे हो, मतलब सर्वर और डेटाबेस से रिलेटेड काम कर रहे हो, तो आप क्या कहलाओगे, बैक एंड डेवलपर। ओके, और अगर आप दोनों काम कर रहे हो, आप जो फ्रंट एंड है उसको भी डिजाइन कर रहे हो और जो बैक एंड है उसको भी डिजाइन कर रहे हो, तो आप क्या कहलाओगे, फुल स्टैक डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर। तो आप बोलोगे यार सबसे ज्यादा पैसा किसमें है, तो मैं इसको आपको क्लियर कर देता हूं। अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हो, अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हो, तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी होगी 3 लाख से 5 लाख के बीच में इंडिया में, ठीक है। अगर आप एक बैक एंड डेवलपर हो तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी इंडिया में होगी 4 लाख से 8 लाख के बीच में, और अगर आप फुल स्टैक डेवलपर हो, अच्छे फुल स्टैक डेवलपर, तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी 6 लाख से लेके 12 लाख के बीच में इंडिया में। ओके, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन था, जो तीन चीजों के बारे में हमने स्टार्टिंग में बात किया था, सबसे पहला क्या था हमारा, कि वेब डेवलपमेंट और वेब डेवलपर क्या होता है, ये पहला क्वेश्चन, तो ये क्लियर हो गया वेब डेवलपमेंट और वेब डेवलपर क्या होता है। दूसरा अब आता है हाउ टू लर्न वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट कैसे सीखे हम 3 महीने में, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, हाउ टू गेट जॉब विद इन 3 मंथ। तो भाई 3 महीने में सीख के जॉब पाना है, तो कैसे 3 महीने में सीखें। तो चलो मैं आपको फ्रंट एंड, बैक एंड और फुल स्टैक तीनों का बताता हूं, ठीक। तो फ्रंट एंड और बैक एंड को मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा और फुल स्टैक को मैं डिटेल में बताऊंगा। सो अगर आपको फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, मतलब आपको डिजाइनिंग में जाना है, अगर आपको फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, आप चाहो तो गूगल पे सर्च करके देख सकते हो फ्रंट एंड डेवलपर क्या होता है। अगर आपको फ्रंट एंड वेब डेवलपर बनना है तो आपको क्या क्या सीखना होगा, सबसे पहले आपको सीखना होगा HTML, जिसमें आपको मैक्सिमम 1 वीक यानी 7 डेज लगेंगे, ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूं, आप HTML 2 दिन में सीख सकते हो, मैं मैक्सिमम बोल रहा हूं। दूसरा आपका क्या सीखना होगा, आपको CSS,
CSS भी आप 7 days ले लो। मैं अगेन बहुत ज़्यादा मैं लेके चल रहा हूँ, मैं मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ। अगर आप रोज़, अगर आप सपोज रोज स्टार्टिंग में सिर्फ 3 hours देते हो, 3 hours, तो 7 days, ठीक है। अगर आप रोज 10 hours देने के लिए रेडी हो, तो HTML सीखने के लिए 2 दिन काफ़ी है, CSS सीखने के लिए 2 दिन काफ़ी है। नेक्स्ट, अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हो, तो और आपको क्या सीखना होगा? बूटस्ट्रैप। अब मैं किसी के डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये सब होता क्या है, ठीक है। बूटस्ट्रैप सीखने के लिए अच्छे से आपको अगेन 7 days, 1 week। अब याद रखना, ये सारा लाइन से आपको सीखना होगा, पहले HTML, फिर CSS, फिर बूटस्ट्रैप, ठीक है। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ। एक बार आपने HTML सीख लिया, CSS सीख लिया, बूटस्ट्रैप सीख लिया, तो अब अगला स्टेप क्या होगा? आप एक प्रोजेक्ट बनाओ, एक प्रोजेक्ट डिजाइन करो। जैसे प्रोजेक्ट में क्या डिजाइन कर सकते हो? नॉर्मली एक फॉर्म बनाओ, एक फॉर्म डिजाइन करो। फॉर्म समझते हो ना? एक फॉर्म होगा जैसे, जिसमें ऐसे नेम एंटर करना होगा, मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, फिर फादर नेम एंटर करना होगा, फिर यहाँ पे एक सबमिट बटन होगा। सिंपल एक फॉर्म डिजाइन करो। सो फॉर्म डिजाइन, ठीक है। आपने एक फॉर्म का प्रोजेक्ट बना लिया, तो उसके बाद आप एक छोटा सा प्रोजेक्ट और बनाओ, तो इससे थोड़ा सा बड़ा। और वो प्रोजेक्ट क्या हो सकता है? आप अपना एक पोर्टफोलियो बना लो। पोर्टफोलियो नहीं पता तो गूगल पे सर्च कर लो पोर्टफोलियो क्या होता है। एक पोर्टफोलियो बना लो, मतलब आप एक अपना एक वेब पेज डिजाइन कर लो, जिसपे आप अपने डिटेल्स को रख सकते हो, आपका फोटो, आपका क्या करते हो, आपका रिज्यूम, सारी चीजें इस पे रहेंगी। तो आप इसको डिजाइन करो। आप चाहो तो उसके लिए यूट्यूब और बाकी जगह से गाइड भी ले सकते हो, ठीक है। ओके, तो आपने HTML सीख लिया, 7 दिन लगे। आपने CSS सीख लिया, 7 दिन लगे। बूटस्ट्रैप सीख लिया, 7 दिन लगे, मतलब 21 दिन। फिर फॉर्म और पोर्टफोलियो डिजाइन करने में मान लो आपका लगभग 20 दिन चला जाएगा, तो आपके कितने हो गए? 41 days, ठीक। और याद रखना, फॉर्म और पोर्टफोलियो डिजाइन करने बैठोगे तो आसान बिल्कुल नहीं रहेगा, आपको हेल्प लेना होगा बहुत जगह से, यूट्यूब से, गूगल से, बहुत जगह से। उसके बाद नेक्स्ट आप सीखो फोटोशॉप, क्योंकि अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हो, तो फोटोशॉप भी सीखना इंपॉर्टेंट है। फोटोशॉप सीखने में आप मान लो आपको लगेंगे 10 days, ओके। और उसके बाद नेक्स्ट आप सीख लो बेसिक जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट का बेसिक। इसमें आप मान के चलो आपको लगेगा 15 दिन, मैं मैक्सिमम डेज बता रहा हूं। तो टोटल कितने हो गए? 41 प्लस 10, 51 प्लस 15, 6, कितना हुआ था हमारा? 51 days हुआ था, और ये 15 days, कितने हो गए? 66 days। तो 66 days में आपने फ्रंट एंड की सारी चीजें सीख ली जिनका जरूरत था। अब आप क्या करो, इन सारे स्किल का यूज करके एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाओ। अब प्रोजेक्ट आप क्या बनाओगे, आप डिसाइड करो आपका प्रोजेक्ट क्या होगा, क्योंकि जब आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो आपको दिखाना होगा ना कि आपने क्या बनाया है अब तक। तो मैं तो बोलूंगा कि आप ये जो प्रोजेक्ट बना रहे हो, ये अपना पोर्टफोलियो बनाओ, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट होगा, ये कौन सा प्रोजेक्ट बनाओ? अपना पोर्टफोलियो, ताकि आपने जो भी प्रोजेक्ट किया है उस पोर्टफोलियो पे रख सको, ठीक है। और जब कहीं जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो वहां पे अपना पोर्टफोलियो दिखा सको, रिज्यूम दिखा सको। याद रखना, अगर आपको काम आता है तो आपकी डिग्री कोई नहीं पूछेगा। तो ये हो गया फ्रंट एंड का डिटेल। दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं बैक एंड का डिटेल। अगर आपको बैकएंड डेवलपमेंट में जाना है तो क्या क्या सीखना होगा? अब देखो, बैकएंड के लिए बहुत अलग अलग टेक्नोलॉजी है। PHP आप सीख सकते हो। PHP सीखोगे तो इसके, PHP एक लैंग्वेज है, और PHP सीखोगे तो इसके साथ डेटाबेस, SQL, SQL क्वेरी लैंग्वेज है, ये सीखना होगा, और MySQL डेटाबेस सीखना होगा। दूसरा है, आप चाहो तो ASP.NET सीख सकते हो, ASP.NET। आप चाहो तो पाइथन का एक जेंगो फ्रेमवर्क है, इसे सीख सकते हो। बहुत सारे हैं, बट आज के टाइम में मार्केट में जो सबसे फेमस है वो कौन सा है? मैं इन सबको हटा देता हूँ। आज के टाइम में जो मार्केट में चल रहा है, जिसमें आज के टाइम में अच्छे पैसे हैं और ज़्यादा फेमस है, वो है आपका जावास्क्रिप्ट। अब आप बोलोगे, जावास्क्रिप्ट तो मैंने फ्रंट एंड में बताया था, ये बैक एंड में कहाँ से आ गया? हाँ, जावास्क्रिप्ट में यही कमाल की चीज है। जावास्क्रिप्ट एक ऐसा लैंग्वेज है जिससे आप फ्रंट एंड में भी वो काम करता है और बैक एंड में भी काम करता है।
सो जावा स्क्रिप्ट के अलग अलग फ्रेमवर्क्स हैं जो बैकएंड में यूज होते हैं। तो कौन कौन से फ्रेमवर्क हैं? सबसे पहले बैकएंड में अगर आपको जाना है तो मैंने जैसा बताया आप बहुत सारे टेक्नोलॉजी हैं कोई भी सीख सकते हो, बट मैं आपको जावा स्क्रिप्ट बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप सीखोगे जावा स्क्रिप्ट, बेसिक जावा स्क्रिप्ट। तो बेसिक जावा स्क्रिप्ट तो आपको पूरा आना चाहिए, इसमें आपको लगेंगे वही 15 डेज। उसके बाद आप सीखो एडवांस जावा स्क्रिप्ट, इसमें आपको लगेंगे अगेन 15 डेज। ठीक है, उसके बाद आप जावा स्क्रिप्ट एक प्रोजेक्ट बनाओ जिसमें मान के चलो आपको लगेगा 10 डेज। अब प्रोजेक्ट क्या बनाना है आप गूगल सर्च कर सकते हो कि जावा स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट फॉर बिगनर्स, मतलब जो स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए जावा स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या सीखना होगा? फिर नेक्स्ट आप सीखोगे जावा स्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है रिएक्ट, रिएक्ट जेएस। ये जावा स्क्रिप्ट से ही बना है। तो अगला सीखोगे आप रिएक्ट जेएस, रिएक्ट जेएस। इसको सीखने में मान के चलो आपको 15 दिन लग जाएगा बेसिक इसका सीखने में। और उसके बाद क्या करोगे आप? रिएक्ट पे एक प्रोजेक्ट बनाओगे, तो उसमें मान लो आपका 5 दिन और चला गया, 5 से 6 दिन एक छोटा प्रोजेक्ट बनाने में। फिर रिएक्ट के बाद क्या सीखोगे आप? तो रिएक्ट के बाद सीखोगे आप नोड जेएस, नोड जेएस। इसमें भी आप मान के चलो कि आपका लगभग 15 दिन जाएगा, 15 डेज। और फिर 5 दिन इसमें भी एक प्रोजेक्ट के लिए आप दे सकते हो, एक प्रोजेक्ट बना सकते हो। और उसके बाद लास्ट, इधर साइड में जगह नहीं है तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, आपको मोंगो डीबी डेटाबेस सीखना होगा। मोंगो डीबी ये डेटाबेस है, इसे सीखना होगा। ठीक है, तो मोंगो डीबी अगर डेटाबेस आप सीख रहे हो तो इसमें भी कुछ टाइम जाएगा आपका, 5 से 6 दिन, इसमें भी 10 दिन जाएगा। ठीक, तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं 10 डेज। तो आप बैकएंड में देखो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, 15 15 30 40 55 70, और फिर 10 डेज 80 डेज हो गए। और फिर अभी 3 मंथ मैंने बात किया था ना, 10 डेज अभी बात किया, 10 डेज अभी भी बचे हैं। तो जो 10 डेज से 10 से 15 दिन बचा है इसमें एक अच्छा आप बैकएंड का प्रोजेक्ट बनाओ जिसको आप अपने पोर्टफोलियो पे रखोगे। ओके, तो इस तरीके से लगभग 100 दिन में आप बैकएंड डेवलपर बन सकते हो, सीख सकते हो, और उसके बाद आप जॉब पे अप्लाई कर सकते हो। अगर ये जानना है जॉब में कैसे अप्लाई करना है विदाउट एनी डिग्री, तो आप कमेंट में बताओ, मैं इस पे भी वीडियो पोस्ट कर दूंगा। ओके फाइन, तो ये तो हो गया बैकएंड डेवलपर के लिए, आपको क्या सीखना है कैसे सीखना है। अगर आपको फुल स्टैक डेवलपर बनना है, तो अगर फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो मैंने जो फ्रंट एंड के लिए बताया था और जो बैक एंड के लिए बताया था दोनों को कंबाइन कर लो, दोनों आपको सीखना होगा। और फिर आपका 3 मंथ में होना थोड़ा मुश्किल है, फिर आपको मिनिमम 5 मंथ देना होगा दोनों को मिला के। बट ये 5 मंथ आप दे दोगे और अगर आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसको ऑनलाइन रखोगे और जब जॉब के लिए अप्लाई करोगे और एक्चुअली में आप सीखे रहोगे, तो मिनिमम 5 से 6 लाख से आपकी सैलरी की शुरुआत होगी फुल स्टैक में। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है, वेब डेवलपर किसे बोलते हैं, फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होता है, बैक एंड डेवलपमेंट क्या होता है, और फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होता है। सो मैंने एक बहुत ब्रीफ में यहाँ पे बताने का कोशिश किया। अगर समझ में आया, वीडियो यूजफुल लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और वीडियो को लाइक करो। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।